सारे उड़ीसा राज्य में आज 24 मार्च से नगरपालिका चुनाव के लिए मतदान की शुरुआत हो गई है। इसी प्रकार उड़ीसा के केंद्रीय जिला बडबिल शहर में भी नगर अध्यक्ष तथा नगर वार्ड पार्षद का चुनाव के लिए मतदान शुरू हो गया। आपको बता दें कि बडबिल शहर में कुल 15 वार्ड हैं, जिसके लिए आज कुल 57 बूथों पर मतदान शांतिपूर्ण रूप से चल रहा है। जनता भी काफी उत्साह के साथ अपना बहुमूल्य मतदान करने के लिए बूथों पर पहुँच रहे हैं। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं की ओर एसपी मित्रा भानु महापात्रो तथा बडबिल एसडीपीओ हिमांशु शेखर बेहरा को भी खुद मतदान बूथों पर देखरेख करते हुए देखा गया। बडबिल शहर में दो बड़े पार्टी बीजेपी और बीजेडी में जोरदार टक्कर होने की संभावना है। आने वाले 26 मार्च को चुनाव का परिणाम आने के बाद ये पता चलेगा कि जनता ने किसको अपना नगर अध्यक्ष तथा नगर वार्ड पार्षद चुना है। R9 भारत देगी आपको उड़ीसा चुनाव की पल पल की अपडेट, तो देखते रहे R9 भारत। सर आपका परिचय दीजिए। त्रिवेणी गुप्ता। सर आज जो यहाँ पे नगर अध्यक्ष तथा नगर पार्षद का जो चुनाव हो रहा है, तो सर कैसे देख रहे हैं आप इसको, क्या बताएंगे इसके बारे में? इसको जो आदमी काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, हम लोग देख रहे हैं जो भी गरीबों का साथ देगा उसको हम लोग वोट दिए हैं, देंगे दिए हैं उन्हीं को हिसाब से। सर इलेक्शन कमीशन की ओर से किस तरह का इंतजाम यहाँ पे किया गया है, क्या बताएंगे आप? इंतजाम ठीक है, सभी किसी तरह का असुविधा नहीं हुआ। अपना वोटर लिस्ट, वोटर है, आईडी कार्ड लेके आए, तुरंत मिल गया आपको वोट दे दिया। सर शांतिपूर्ण तरीका से यहाँ पे? जी जी जी, शांतिपूर्ण तरीका से वोट हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर आपका परिचय? मेरा नाम मोहम्मद मजहरुल बारी है, मैं बड़बिल 5 नंबर वार्ड का रहने वाला हूँ। सर इलेक्शन कमीशन की ओर से जो किस तरह का प्रबंध किया गया है, इसके बारे क्या बताएंगे आप? इलेक्शन कमीशन की ओर से तो बहुत बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है, सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही है और सारे लोग खुश हैं। और 5 साल में ये मौका आता है और हम लोगों को ये चाहिए कि अपना अधिकार, अपना वोट, हम तमाम लोगों को चाहिए कि अपनी अपना वोट, अपना अधिकार जो है वो जाके वहाँ डालें और अपने मुआशरे को, अपने जो हमारा जो एरिया है उसको कामयाब बनाएं। सर जैसा कि अभी जो चुनाव है वो नगर अध्यक्ष तथा नगर वार्ड पार्षद के लिए है, तो आप लोग बडबिल वासी होकर किस तरह चाहेंगे कि किस तरह के कैंडिडेट आपका बडबिल में आप लोग के अध्यक्ष तथा वार्ड पार्षद के लिए आप चुनेंगे, बताइए? हम तो ये चाहेंगे कि हमारे जो शहरों के लिए जो विकास का सोचता हो, जो बढ़िया काम करता हो, जो शिक्षित नेता हो, वो आए और आकर के अपने शहर को बहुत ही बेहतरीन खूबसूरत शहर बनाए, यही हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है। और बाकी सारी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से है और तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरीन है, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से हमारा सारा काम चल रहा है। और ये चाहेंगे, तमाम लोगों से ये चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे कि अपने वोट के अधिकार को ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय दीजिए। जी मैं नवनीत सिंह हूँ, वार्ड नंबर 6 बड़बिल का रहने वाला हूँ। सर आज आप यहाँ पे जो वोट देने के लिए आए हैं, तो सर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किस तरह का इंतज़ाम किया गया है, क्या बताएंगे आप? इलेक्शन कमीशन की तरफ से बहुत ही अच्छा प्रबंध किया गया है और यहाँ सिक्योरिटी की बहुत सेवा दी गई है। अंदर में आप जैसे देख सकते हैं 5-6 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, जो कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होने नहीं दे रहे हैं और हर एक चीज़ शांतिपूर्वक हो रही है। मैडम आपका परिचय बताइए। मेरा नाम हरप्रीत कौर है, मैं बडबिल की रहने वाली हूँ, मैं वार्ड नंबर 6 से बिलोंग करती हूँ। मैडम यहाँ पे आप जो आज चुनाव में आए थे वोट देने के लिए अपना, तो किस तरह का इलेक्शन कमीशन की ओर से इंतजाम किया गया है, उसके बारे क्या बताएंगे? जैसे कि आप देख पा रहे, देखिए बहुत शांति है यहाँ पे और पुलिस की तरफ से भी हमें बहुत अच्छी सुरक्षा दी गई है, ताकि हम लोग सेफली आके यहाँ पे वोट कर सके। और बहुत इज्जत और बहुत ही शांतिपूर्वक से हमने वोट दिया है, कोई किचकिच कुछ नहीं है हमारे यहाँ तरफ, बहुत अच्छे से हमने वोट दिया और बहुत अच्छी बंदोबस्त की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपका परिचय दीजिए। मोहम्मद सरफराज, वार्ड नंबर 4 ऊपर बस्ती। सर किस तरह से आज जो आए आप यहाँ पे नगर अध्यक्ष का चुनाव है बडबिल में, तो किस तरह का इंतजाम किया गया था, बताएंगे? बहुत बेहतर इंतजाम है और एकदम शांतिपूर्ण तरीका से जो है आपका पोलिंग हो रहा है। जी सुरक्षा का किस तरह का इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से? बहुत बेहतर। धन्यवाद। सर आपका परिचय? कुशल ठक्कर फ्रॉम वार्ड नंबर 6। सर इलेक्शन कमीशन की ओर से किस तरह का यहाँ पे जो चुनाव है आज बडबिल में, किस तरह का इंतजाम किया गया है, उसके बारे क्या बताएंगे आप? इंतजाम तो बहुत ही अच्छा किया गया है बडबिल ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा, बाकी यहाँ की सिक्योरिटी बहुत अच्छी है और सब शांतिपूर्वक जाके अपना वोट देके आ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट है। सर आपने वोट दिया? हाँ हमने दिया। धन्यवाद। उड़ीसा के केंद्रीय जिला बडबिल से सज्जाद आलम की खास रिपोर्ट R9 भारत।